वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फैक्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एसी के ऊपर है। एसी में टर्न क्या होता है, एक टर्न हमारा कितने वैट का होता है, एक टर्न कितने किलोवाट का होता है, और टाइप ऑफ एसी उसमें आता है विंडोज एसी और स्प्लिट एसी। एसी में दो टाइप होते हैं और हमें कौन सा लेना चाहिए, विंडोज या स्प्लिट, और कितने टन का एसी ले लेना चाहिए, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब तक इलेक्ट्रिकल फैक्ट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसी में टर्न क्या होता है। टर्न जो है तो एक टर्न जो हमारा होता है वो 1000 kg का होता है, बराबर है। तो ऐसा नहीं होता 1000 kg की हमारे एक्चुअल में एसी नहीं होती। तो 1000 kg हम क्यों मानते हैं, तो पहले के ज़माने में क्या क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने एसी नहीं हुआ करते थे, तो 1000 किलो यानी कि 1 टन बर्फ लाया करते थे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो तब से हम एसी को टर्न, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन ऐसे पुकारते हैं। तो एसी में जो है 1 टन जो है आपके समय में 1 टन जो है हमारा वो कितना वैट कंज्यूम करता है, यानी कि कितना वैट वो लेता है। तो इसका फार्मूला जो है, तो हर एसी के एक रेटिंग लिखी होती है, 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, तो उस पर लिखा होता है EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हर एसी पर लिखा होता है। चलिए इस एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम मेरे पास एक स्टिकर है, उस पर है 3.74, ये जो है इसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। तो इससे अगर हमें आपको अगर वैट मालूम होता है तो आप इजीली करंट और वायर और बहुत कुछ किलोवाट सब कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। तो फार्मूला जो है इसको आपको 5200 आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 374। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1390 वैट। आपको अगर वैटेज मालूम होता है तो आप इजीली आपको कौन सा एमसीबी सर्किट यानी कि एमसीबी लेगा, उस कौन सा वायर लेगा, ये सब इससे जान सकते हो। आपको अगर वैटेज मिलता है तो आपको किलो वैट भी मिल जाएगा। अगर 1390 तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो आपका किलो वैट भी निकल के आता है। तो उसके बाद हम जानेंगे एसी में टाइप कौन कौन से है। तो एसी में दो टाइप है, विंडोज एसी और स्प्लिट एसी। विंडोज एसी कुछ इस तरह से है, और ये जो है आप खिड़की के बाहर, इसे आधा पोर्शन खिड़की के बाहर रहता है और आधा अंदर रहता है, और इससे जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है। पहले विंडोज एसी यूज़ करते थे और अब के समय में जो है स्प्लिट एसी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्प्लिट एसी यानी कि क्या होता है, जो इसका आउटडोर यूनिट होता है यानी कि एग्जॉस्ट फैन, जो अंदर की हवा बाहर फेंकता है और बाहर से अंदर भेजता है, तो उसे हम आउटडोर यूनिट कहते हैं। वो कुछ इस तरह से है। तो स्प्लिट एसी ही सबसे बेटर माना जाता है, तो और अब आपके समय में ज़्यादातर स्प्लिट एसी ही यूज़ करते हैं और हमें स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए आपके समय में। तो एसी कितने टन का लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी रूम की साइज़ क्या है। समझ लिए आपकी रूम की साइज़ है 100 स्क्वायर फुट, तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। 150 या 200 है तो आपको 1.5 टन का, 200 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है तो 2 टन एसी ऐसे आप पकड़ के चल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।